की है कि इट्स रेड एंड दे आर बल्जिंग आउटवर्ड्स। सेकेंड हमने किया है दे आर हैविंग स्टिकी पैड्स ऑन द फीट टू क्लाइंब अप द ट्री। दीज आर द टू मेन पॉइंट्स दैट वी हैड डिस्कस्ड। हाँ थर्ड कैमो प्लेगिंग में उसका कलर हेल्प करता है, ठीक है, एज इट कैन क्लाइंब अप द ट्रीज सो इट कैन हाइड इटसेल्फ इन द लीव्स ऑफ द ट्रीज। स्टिकी टंग नहीं, पैड्स बोले मैंने, स्टिकी टंग्स वो तो फ्रॉग की क्वालिटी है ही है टू कैच द इंसेक्ट, फ्रॉग तो है ही। इलेवेंथ करना है। हाँ जी बच्चे, इज इट क्लियर? सो शैल वी मूव टू फॉरवर्ड। वी हैव डन आई थिंक अप टू क्वेश्चन नंबर 7। यस ओके, आई विल रिपीट। Sit properly and be careful from next time. Question number 8, bete, what is the question? It is given, explain with examples why we find animals of certain kind living in a particular climatic conditions. Haan ji. Bilkul. Because due to the different features, different the adaptive features of each and every animal, they are able to survive in a particular climatic condition, right? Or isme example boli hai, in that you will take out the example of a polar bear and a camel. Example camel, camel ki any two property, any two or three features, and polar bear any two थ्री फीचर्स, ठीक है? ज्यादा हो रही है, एक बार मेडिकल वाले मैम से पूछ के आओ, एक बार पूछ के आओ। ओके देन ब्रिंग अ नोटबुक एंड अ पेंसिल, हिमालय नोटबुक लेके आओ, नोटबुक और पेंसिल लेके आओ। हाँ जी बच्चे, हाँ टू थ्री कैमल की, टू थ्री पोलर बियर की। ना मैम को बोल दो कि मेरे को एक्चुअली पेन हो रही है मैम, मैम ने भेजा मुझे बेटे दिया। हाँ जी बच्चे, इज दैट क्लियर? यस खुशी स्टिल हैविंग अ डाउट और इट इज क्लियर? Ma'am, the questions you have wrote on the blackboard, we have to note down in the fair notebook. Yes, of course. These are the question numbers that you have to write it on your notebook. Okay? Okay. But we will obviously discuss it later on also. Now, next question number 9. I think this is a very clear question. How do elephants living in tropical rainforests adapt themselves? I think everyone can write. It is clear to everyone. Everyone knows that adaptations of elephant along with the reason. Trunk, why it is having a trunk. Tusk, why it is having a tusk. And other things. Large ears. Anji, yes. Keep sitting. Everyone can know the answer so they can write it by themselves. Please sit down, Lakshya. Okay? बिल्कुल, यू हैव टू राइट द एडेप्टेशंस ऑफ एलिफेंट एंड दैट यू कैन राइट इट बाय योर ओन। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दो कैमल की, दो तीन कैमल की, दो तीन पोलर बियर की, एज दे बोथ ऑफ दीज एनिमल्स दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है? आई थिंक दैट विल बी इजी फॉर एवरीवन। नेक्स्ट इट इज 10th क्वेश्चन, इट इज अ टिक द करेक्ट आंसर। अ कार्निवोर्स, a carnivore with stripes on its body
Now carnivores hai, body based types hai. It moves very fast to catch its prey. Can you name this animal? Tiger. And where it is found? Yes, it is found in tropical rainforest. That is number 4. 11th, which features adapt polar bears to live extremely in cold climate? चलो गुड बिल्कुल ठीक है बच्चे ऑप्शन नंबर ए सबको क्लियर है एंड आई होप यू हैव डन लेकिन आगे चलने से पहले लेट अस मूव टू द सेकंड ऑप्शन थिन स्किन लार्ज ईयर्स व्हाइट फर सॉरी थिन स्किन लार्ज आईज व्हाइट फर कौन सी ऑप्शन गलत है थिन स्किन हाँ जी थिन स्किन तो बिल्कुल ही गलत है पोलर बियर की थिक स्किन होती है और आईज भी बहुत लार्ज नहीं होती लॉन्ग टेल स्ट्रॉन्ग क्लॉज व्हाइट लार्ज पॉज फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या रॉन्ग है व्हाइट बॉडी पॉज फॉर स्विमिंग गिल्स चलो गुड 12th, which option best describes the climate of tropical region? Hot. Sure? Better tropical rainforest mein hot and humid temperature hota hai. Heavy rainfall is not of sure confirmed. Hot and humid. हाँ लेकिन रफली हम उसको हॉट एंड ह्यूमिड कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर भी बोल देते हैं लेकिन हैवी रेनफॉल डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर कुछ पार्ट में हैवी रेनफॉल होती है कुछ पार्ट में लाइट रेनफॉल होती है ठीक है नेक्स्ट इट इज कोल्ड एंड ह्यूमिड नहीं होता हॉट एंड ड्राई भी नहीं ठीक है क्लियर हैवी रेनफॉल वाला पॉइंट काइंडली अवॉइड दैट इफ यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ अदर्स I think the chapter is absolutely clear to all of you. Yes. तो फिर moderate temperature पे जाओगे आप definitely moderate temperature ठीक है moderate temperature गलत नहीं है लेकिन heavy rainfall does not is not found everywhere. हाँ जी बच्चे कल एक question भी दिया था आपको ब्राजील ब्राजील एक माउस वाला क्वेश्चन दिया था हाँ खुशी दैट यू विल गेट द मैसेज ऑन योर फोन्स ठीक है टेस्ट आप लोगों का बेटे नेक्स्ट वीक है किस डे में है दैट यू विल गेट द मैसेज देखो ऑफलाइन बच्चों का टेस्ट तो होना ही है और डेफिनेटली क्लास में ही होना है सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ओके ऑलमोस्ट 40 की स्ट्रेंथ है तो टेस्ट का ऑफलाइन नहीं होगा नेक्स्ट वी विल सी फॉर दैट नेक्स्ट शैल वी स्टार्ट विद द अदर चैप्टर नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज लेसन नंबर 9 One of the most common chapter, you guys perhaps know about it. हाँ जी बच्चे, what ma'am said? हाँ? बहुत ज़्यादा pain हो रही है बच्चे. तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, head down कर लो. Right? Soil. What is soil? Before starting, what is soil? Hanji, please stand up. One of the most important natural resource. Acha chalo. I will shift my question. What is a natural resource? Bas? Sirf soil hi a natural resource. एक मिनट हाँ जी नेचुरल रिसोर्स क्या होता है एक मिनट
आप लोगों में से आई है डेफिनेशन, मैंने तो नहीं बोली. दैट इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, जो चीज इम्पोर्टेंट है वो नेचुरल रिसोर्स है. हाँ, बिल्कुल ठीक है. काफी बच्चों ने बोल दिया सोर्सेज दैट आर गिवन टू अस बाय द नेचर. एक तो सॉइल है, सॉइल के अलावा और कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, सॉइल, वाटर, एयर, ये सारे हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट आर टोटली गिवन टू अस बाय द नेचर. एक तो सॉइल नेचुरल रिसोर्स है, और सॉइल की डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन. ये तो उसका यूज हो गया ना. चलो मैं आपके लिख देती हूँ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स. तो ये तो उसका यूज हो गया. और भी काफी सारी डेफिनेशन. It contains different types of layers in it. हाँ जी बच्चे, ये देख लो, ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, पर किस चीज को कहाँ रखना है वो आपको पता होना चाहिए. Different types of layers in it. Layers. Stop children. हाँ जी, last bench. बोलो. Last. You have raised the hand. अच्छा, उसने बोल दिया बैठो. होम ऑफ मैनी एनिमल्स. और एनी अदर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. ये तो यूजेस हो गई. यूजेस बोल रहे हो आप. मैंने तो व्हाट इज द सॉइल पूछा, द सिंपलेस्ट मोस्ट क्वेश्चन बिफोर टू स्टार्ट. हाँ, व्हाट यू सेड, कैन प्लीज रिपीट. क्या? लिसन, ये एक बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी सा क्वेश्चन है. आई विल नॉट टेक आउट दिस पॉइंट. ठीक है. हाँ, इट इज नॉट 100% श्योर. साइंस इसको अभी तक करेक्ट नहीं मानती. डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत कुछ है. हाँ जी, लाउडली. ग्रोथ ऑफ प्लांट. खुशी, द मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द सॉइल. एग्जैक्टली. व्हाट इज सॉइल में होता है? इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. इट इज द अपर मोस्ट layer of earth's crust. इसके आगे एक वर्ड मैं आपको और ऐड करवाती हूँ, बिकॉज ये भी इनकम्प्लीट है. अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट और पीसीज ऑफ रॉक्स दैट फॉर्म द अर्थ. हाँ जी, these are the smallest pieces of rocks that form the uppermost layer of earth crust. theek hai, that form the uppermost layer of earth's crust. it is called a soil. actually definition ye aayegi, uske aage it is a natural resource. या ये सारे आपके जो हैं, दीज आर जस्ट स्टोरीज इन द डेफिनेशन. डेफिनेशन होता है उसका मीनिंग क्या है. सॉइल का मीनिंग होता है दीज आर द पीसेस ऑफ रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड, दैट फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, या फिर अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ दैट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग किया हुआ है ना, इसके बाद हमने फॉर्मेशन भी दोबारा करनी है. एक बार जरूर रिकॉल करेंगे. बेटे, यू मस्ट नो वट यू हैव टू राइट इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है जी, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन ये आएगी. ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स, होम फॉर मेनी एग्रीकल्स,
used for agriculture. These are the uses of the soil. This is the importance of the soil. ये importance होती है. और ये वाला जो आपका पॉइंट है, सॉरी contains, potens लिखा हुआ, contains वाला जो पॉइंट है ये आता है आपका सॉइल प्रोफाइल में. लेयर्स वाला जो पॉइंट है वो सॉइल प्रोफाइल का पार्ट है. किया हुआ है ना टॉप सॉइल सब सॉइल बेडरॉक पढ़ा हुआ है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल. और देखो इसमें आपने आधा चैप्टर कवर कर लिया. हाँ जी बच्चे, डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई. यूजेस आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही मेंशन करवा दिए, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट इट अगेन. डेफिनेशन यही तो है. अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं. फर्स्ट तो हमने करनी है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड by the weathering of the rocks. ठीक है, second importance, it is done. Importance में यही तीन चार points आएंगे. It provides nutrition to the plant. और इसमें आप ये भी add कर सकते हो, it provides a space to the plants to grow by holding the roots. ठीक है, it helps plants and trees to grow by holding their roots. They did, no doubt, roots soil को hold करती है, लेकिन roots कहाँ पे holded होती है? वो भी तो soil के अंदर ही होती हैं. ठीक है, it is interconvertible. Roots को भी तो soil ही hold करती है. अगर नीचे soil नहीं होगी, can roots keep still? It will not. Okay, so these are the few points of importance of the soil. Then we have to go for formation. Formation के बाद next point हमने करना है composition. पहले ये कर लो, I think it is clear. इसको erase कर दो. Okay, चलो I'll take 1 minute. बेटे देखो एक रिक्वेस्ट है, सेवेंथ क्लास, ये टॉपिक नो डाउट मुझे पता है आप सबके लिए बहुत इजी है. अभी देखने में बहुत इजी लग रहा है और है भी, क्योंकि हम लोग काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, शायद थर्ड या फोर्थ से. ठीक है, तो इसलिए आपको कंपैरेटिवली ये लग भी इजी रहा है. बट बच्चे एक चीज प्लीज ध्यान रखना, जो भी आंसर दोगे ना क्वेश्चन पढ़ के रेलिवेंट टू क्वेश्चन आंसर देना. जैसे अभी सिंपल डेफिनेशन पूछी थी आप सबके सामने एग्जांपल्स. ठीक है, जब आप ऐसे रेलिवेंट आंसर्स नहीं देते हो देन वी हैव टू सफर अ प्रॉब्लम और हमें मार्क्स डिडक्ट करने पड़ते हैं. ठीक है जी, क्लियर, वी नीड टू डिडक्ट मार्क्स बिकॉज योर आंसर इज नॉट रेलिवेंट विद द क्वेश्चन. अभी ये सारे पॉइंट सॉइल से रिलेटेड थे बट उसकी डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर रहे. सेकेंड फॉर्मेशन, हाउ सॉइल इज फॉर्म. हाँ जी बोलो हरमन. स्मॉलेस्ट पीसेज ऑफ रॉक्स, आगे क्या बोला था आपने, pieces of rocks के आगे क्या बोला था, these pieces get they get eroded by, लिख दूं, they get eroded by वो water and wind and collected at a place. हाँ जी प्लीज रीड आउट और देखो क्या इसमें हम कोई चेंजेस कर सकते हैं. Collected at a place called soil.
अब इसको रीड करो और चेक करो क्या ये आपका एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। बैठो, आप सबने पढ़ा हुआ है, सबको आता है, बैठो। अच्छा हाँ जी, एंड कलेक्टेड आपने बोला है वेदरिंग ऑफ, ठीक है, या आंसर दोनों ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी ठीक है, इस प्रोसेस को कहते तो वेदरिंग ही है, ठीक है, उसने वेदरिंग नहीं मेंशन किया था, आपने किया है। हाँ जी हाँ ठीक है, एक चीज बीच में मिस कर गए, एक सिंगल वर्ड आपने इनडायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट किया है, बट उसको कोशिश करो एड ऑन करने की। बैठो बेटे, इज इट ओके, आपके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन ठीक है और मेरे अकॉर्डिंग भी ठीक है, बट फॉर दिस डेफिनेशन यू विल गेट आउट ऑफ थ्री 1.5, और इफ वेरी लूज मार्किंग इज देयर तो 2 मार्क्स, मींस 1.5 नंबर यहाँ कट रहा है। क्यों? पहले तो बेटा एक चीज आपने बेटे प्रोसेस को मेंशन करना जरूरी, ठीक है, और आपने प्रोसेस मेंशन किया था, नो डाउट आंसर ठीक है, वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड तो बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, स्मॉलेस्ट पीसेस की बजाय बेटे यहाँ पे वर्ड ब्रेकिंग ऐड करो, बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। अब ये आपकी वेदरिंग की डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है, जरूरी नहीं है स्मॉल पीसेस के, बड़े बड़े पहाड़ों से भी बनती है, एक मिनट, दे गेट इरोडेड, छोड़ो इसको डायरेक्टली लिखते हैं, बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर और सन भी ऐड कर सकते हो इसमें, सन्स हीट आल्सो, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही आएगा, वेदरिंग, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड सन, ठीक है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, that is breaking of rocks by the action of water, wind and sun. और यहाँ पे बेटे एक क्वेश्चन दोबारा रिकॉल करवा दूं, if it is asked what are the agents of formation of soil, तो agents ये वाले, ठीक है, हाँ जी बेटे, बिल्कुल ठीक है, वेदरिंग की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है बच्चे, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है, जो भी बेटे मैंने सिंपल, देखो सिंपल वर्ड्स लिखे, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिखो। सेकंड एक चीज जो मोस्ट ऑफ द बच्चे भूल गए, आपने ऐड किया था राजे हिमालय होगा, हिमालय सेकंड बेटे, इन दिस सॉइल देन ह्यूमस इज एडेड, पढ़ा हुआ है, देन डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड लीव्स, डेड इंसेक्ट्स आर एडेड टू दिस सॉइल व्हिच विल मेक इट फर्टाइल व्हिच इज कॉल्ड एज ह्यूमस, तो सेकंड पॉइंट आप इसमें ह्यूमस का ऐड करोगे एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सो सॉइल फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट वेदरिंग है, सेकंड है एडिशन ऑफ ह्यूमस, अब इसको जिस मर्जी लाइन में लिखो दैट इज टोटली योर चॉइस, लिखा किसी ने ह्यूमस वाला, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स द डेड ऑर्गेनिजम्स और लीव्स और ट्विग्स आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स इनटू वेरी वेरी स्मॉल पीसेस The dead organisms
insects, dry leaves, twigs, etc. are mixed in it, which is called as humus. This makes the soil. ठीक है, this makes the soil. और बाकी आपकी choice है, wording आपकी अपनी है, you can go for your own wording. Basically आपके ये दोनों points होने चाहिए, एक weathering और दूसरा humus. Weathering में agents जरूर mention करना. ठीक है, that is the formation of soil. After formation, third thing which we have to carry out is कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन आप सबने देखी हुई है. कॉम्पोजिशन डायग्राम कुछ माइंड में आया? आधे बच्चों ने फिफ्थ क्लास में गलत बना दिया था. दो डायग्राम तो हैं फिफ्थ में, एक ग्लास वाला जिसमें सॉइल की लेयर्स हैं, दूसरा सॉइल प्रोफाइल जिसमें टॉप सॉइल सब सॉइल बनाते हैं, और पेपर में आया कुछ था बना के कुछ आ गए, और मैम ने 5 नंबर का 0 दे दिया जबकि 8 था. ऐसे कितने बच्चे आपकी क्लास में? आपकी क्लास में इन टोटल 2 डायग्राम होते हैं फिफ्थ में. एक तो सेवंथ में भी सॉइल में इतने ही है. ठीक है बच्चे, प्लीज दोबारा बोल रही हूँ, सॉइल कॉम्पोजिशन होता है. व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ? सॉइल इज मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, ह्यूमस, वाटर एटसेट्रा. ठीक है, और इसकी रिलेटेड एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है और आप सबने देखी भी हुई है बहुत बार. इवन आई विल ट्राई टू शो यू टुमारो ऑल्सो, लेकिन इसके लिए मुझे मॉर्निंग में आपको आई विल शो यू and I will keep the soil with me in your class and in fourth period I will show you. Okay, what is this activity? Simply take a glass of water, take a little water in the glass, add soil in it, shake it well and let it stand for some time. And bilkul after sedimentation ka process hoga, what you will observe? Sirf soil विदाउट फिल्टर्ड आपने सॉइल डालनी है उसमें. मीन्स चाहे उसमें स्टोन्स हो, चाहे उसमें इंसेक्ट्स हो, चाहे उसमें फ्लाइज हो, जो मर्जी हो, आपने सॉइल उठानी है और पानी में डाल दी. अगर कॉकरोच भी उसमें मरा पड़ा है वो भी निकालना नहीं है. ठीक है, जस्ट उसमें शेक करो. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व बेटे, अगर आपकी सॉइल बिल्कुल नेचुरल होगी, देखो जो हमारे गार्डन में होती है, या अगर आप अपने पॉट्स से सॉइल निकालते हो ना बेटे, उस सॉइल में स्टोन्स की अमाउंट बहुत कम होती है, ग्रेवल बहुत कम होता है, उसकी वजह से हमें यहाँ नीचे वाली लास्ट लेयर नहीं मिलती. लेकिन खेतों की जरूरत नहीं है, रोड साइड्स पे मिल जाती है इजीली, उसमें काफी अमाउंट ऑफ स्टोन्स होते हैं. तो ये वाले जो होते हैं ग्रेवल्स, दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द layer when we started the composition of the soil. सबसे नीचे ये heavier stones, it will take up the place. इनका size काफी बड़ा होता है, they are about the size of 0.05 mm. roughly इनका size जो होता है वो 0.5 mm होता है, 2 से लेके 5 mm तक, इतने बड़े size के होते हैं ये stones. diameter इनका, ठीक है, ठीक है, यहां से शुरू होता है इनका साइज, उसके आगे आपके 2 mm तक भी हो सकते हैं. स्टोन्स आपने देखा ही है, स्टोन आप हाथ में पकड़ भी तो सकते हो. ठीक है, बिल्कुल बनानी है. देन इट इज उसके ऊपर जो लेयर बनती है, दैट इज अ लेयर ऑफ सैंड. सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट बिगर इन साइज. ऊपर क्या होता है? सैंड. एंड दीज पार्टिकल्स दे आर ऑल्सो
quite bigger in size. Their size may vary from 2 to 5 mm, 0.2 mm. इनका डायमीटर जो है 0.2 mm से लेके 0.5 mm तक जाता. क्लियर? दैट इज सैंड. और सैंड तो सबको क्लियर है, सिल्वर कलर की. हाँ जी, ओके. आज आप यहाँ आ गए.